Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. It's Humble Ahmed here again. Well guys, ये हम लोगों ने इंस्टॉल किया है 3.2 किलोवाट का पावर का इन्वर्टर. इसमें सोलर पैनल हमने लगाए, 8 सोलर पैनल लगाए ट्रीनर सोलर के 330 वाट के, और इस पर हमने आउटपुट पे लोड सिर्फ एक ही दिया है, एयर कंडीशन 1.5 टन का है. इस पर डीसी इन्वर्टर लगाया है. एक और बेटा इस पर हमने एक ही बात की, तकरीबन 588-590 वॉट्स ले रहा है, जो इक्विवेलेंट है तकरीबन 2.6 एम्पीयर्स के, और इस वक्त 26 एम्पीयर सेंटीग्रेड पे चल रहा है. और कंटिन्यूसली इसका इस हायर जो डीसी इन्वर्टर है ये ऑलमोस्ट 2.5, 2.6, 2.3 बिलो 3 एम्पीयर पे चल रहा होता है ये वाला डीसी एम्पीयर. और इस पर जो हमने पावर का डीसी इन्वर्टर लगाया है, सोलर इन्वर्टर लगाया है, इसकी मैक्सिमम पीवी इनपुट जो है वो 4 किलोवाट है, 4 किलोवाट की पीवी इनपुट है. इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 330 वाट की हम 18 पैनल लगा सकते हैं, लेकिन इस पर हमने लगाई है 8 पैनल लगाए हैं. और इसकी जो मैक्सिमम पीवी इनपुट वोल्टेज है, जो रेंज है वो 500 वोल्ट है. इस पर हमने वोल्टेज रेंज दी है, इसको 8 पैनल लगाए हैं, तो 8 पैनल के जो वोल्टेज बनते हैं वो तकरीबन बनते हैं 307-310, और इस पर ये हमें मिल रहा है. वेल गाइस, पर हमने ट्रीनर सोलर यूज़ किए 330 वॉट्स. इसके वी ओ सी हैं 45.8 और इसके वी एम पी हैं 37.4. ये पैनल हमने 8 पैनल की सीरीज बनाई है एज यू कैन सी, और जो कनेक्टेड केबल्स हैं वो फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू हमने कनेक्ट किए. ऐसा क्यूबिक शोर हमने इसको माउंट किया है, सेकंड गेज का हमने इस पर यूज़ किया है. थैंक यू गाइस, अस्सलाम वालेकुम. और इसकी पावर जनरेशन जो मैक्सिमम गई है वो टेबल 1 किलोवाट गई है. उसकी वजह ये है कि इस पर जो लोड है वो सिर्फ और सिर्फ एसी का है, और आप जानते हैं कि जो सोलर इन्वर्टर है, यूटी चार्ज कंट्रोल जो होते हैं, इन्वर्टर जो होते हैं वो इक्विवेलेंट लोड के चल रहे होते हैं. जनरेशन जो उसकी होती है वो एक लोड के होती है. अच्छा, इसमें जो हमने इन्वर्टर लगाया है, इसमें इन्वर्टर जब भी लगाया चाहिए या लगाया जाए तो उसके सराउंड में 20 सेंटीमीटर का स्पेस होना चाहिए. ये स्पेस हमने दिया नहीं, उसकी वजह ये है कि ये इन्वर्टर लगा ही सिर्फ एसी के लिए, और वो एसी भी इसी रूम में लगा हुआ है, तो जो रूम टेम्परेचर है वो बिलो 30 रहेगा जब ये रन कर रहा होगा, और जब ये रन नहीं कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है फिर वो टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा, तो ज़रूरत नहीं होगी इसकी. तो इसलिए हमने साइड में इसकी स्पेस कम दिया है. और जब भी आप इस पर इंस्टॉल करें ये इन्वर्टर, तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि इसके साउंड में जो है 20 सेंटीमीटर का आपने स्पेस देना ही देना है साउंड में. अच्छा, इस पावर इन्वर्टर के साथ ये कम्प्लीमेंट्री ये लोग दे रहे हैं वाईफाई डिवाइस, जो एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट हो जाती है, जो हमें लाइव इसकी दे रही होती है, आउटब्रेक सोर्स बता रही होती है कि क्या लोड कितना चल रहा है, जनरेशन कितनी है, ग्रिड से कितना ले रहा है. अच्छा, इस पर हमने 2 बैटरीज कनेक्ट किए हैं. बैटरीज हमने बाहर की तरफ लगाई है, वो आपको दिखाते हैं. वो होंडा 220 एम्पियर ट्यूबलर लगाई है. वेल गाइज, ये ट्यूबलर टावर ट्यूबलर बैटरी है होंडा की, कोरियन टेक्नोलॉजी है. ये 220 एम्पियर आर की बैटरी है, और ये कैटेगरी टाइप जो है वो C20 है, यानी ये 220 एम्पीयर की बैटरी उस वक्त है जब आप इससे 20 घंटे में इसे डिस्चार्ज करते हैं. तो इस पे मेंशन भी है 12 वोल्ट 220 एम्पीयर 20 आवर्स. इसका जो मॉडल नंबर है वो है 12HB T260T. अच्छा, इस पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया है, जिसमें हमने केयूवर दिया है 102 32 एम्पीयर का टू पोल शोर. अच्छा, इसमें चेंजओवर 32 एम्पीयर का है, लेकिन शोर इसका लोड इतना चलेगा नहीं. और चेंजओवर के लिए जब भी हम लोग रिकमेंड करते हैं कि चेंजओवर पे लोड ट्रांसफ़र करने से पहले आप ब्रेकर जो है लोड का वो बंद कर दें, ताकि ब्रेकर इसकी आपकी चेंजओवर की लाइफ बढ़ जाए. अच्छा, उसके साथ हमने एम्पीयर मीटर लगाया है,
डिजिटल एम्पियर मीटर है, उसके ऊपर वोल्ट मीटर से वाट का अलग है और सोलर के आउटपुट का अलग है। अच्छा, ये इसकी अंदर की डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की है। इस पर हमने पीवी पर जो हमने ब्रेकर लगाया वो स्टैंडर्ड का लगाया है, 1000 वोल्ट डीसी 63 एम्पियर्स। अच्छा, इसमें जो हमने पीवी ब्रेकर यूज़ किया स्टैंडर्ड का 1000 वोल्ट डीसी 63 एम्पियर, 63 एम्पियर का ब्रेकर है और इसमें तकरीबन वोल्टेज जो हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त वो 300 प्लस वोल्टेज में यूज़ कर रहे हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 1000 वोल्ट पे जा सकते हैं, लेकिन हमारी इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट कम है, वो हमारी 500 वोल्ट है मैक्सिमम, तो हम उससे नीचे जाएंगे। अच्छा, उसके साथ हमने लगाया हुआ है MEC का ब्रेकर LS का 60 एम्पियर्स का। ये AC-DC ब्रेकर है, इसे हम यूज़ कर रहे हैं बैटरी बैंक के ऊपर। हमारा बैटरी बैंक जो है वो 24 वोल्ट का है और 220 एम्पियर्स का है, जिसे हम यूज़ कर रहे हैं इस ब्रेकर के थ्रू। और इसके ऊपर जो ब्रेकर्स लगे हुए हैं वो हमारे इनपुट और आउटपुट के ब्रेकर हैं, वापडा ग्रिड इनपुट, ये ब्रेकर हमारा ग्रिड पर है। अच्छा, ये ELC भी हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स हैं। इसमें माइनर सी भी डिस्क्रिपेंसीज होंगी, अगर लोड जो है वो न्यूट्रल या फेस किसी और जगह से यूज़ हो रहा होगा तो ये फॉरन ट्रिप कर जाता है ये ब्रेकर। और ये ब्रेकर हमने लगाए हैं LS के 20 एम्पियर्स के इनपुट आउटपुट पे, क्योंकि लोड जो हमारा है वो मैक्सिमम हमारा जो लोड चलेगा वो 14-15 एम्पियर वाला लोड चलेगा नहीं इसके ऊपर एक वक्त में, 20% हमने इसमें मार्जिन रेशियो रखा है। अच्छा, इसमें हमने कोई भी ब्रेकर पर केबल डायरेक्ट नहीं लगाई, हमने लक्स के थ्रू लगाई है। जहाँ पे ओ लक्स की ज़रूरत थी वहाँ पे ओ लक्स लगाएं, जहाँ पे यू लक्स की ज़रूरत थी वहाँ पे हमने यू लक्स लगाएं। इवन के हमने जो चार्ज कंट्रोलर सॉरी एम्पियर डिजिटल एम्पियर मीटर लगाएं या वोल्ट मीटर्स लगाएं उस पर भी हमने लक्स यूज़ किए हैं, एज यू कैन सी। वेल गाइस, ये जो इन्वर्टर है पावर इन्वर्टर, ये रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है और दैट्स व्हाई दे आर गिविंग कम्प्लीमेंट्री वाईफाई डिवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये इन्वर्टर जो है VM2 और VM3 के इक्विवेलेंट है और इस इन्वर्टर की जो चार्जिंग एम्पियर्स हैं, चार्ज कंट्रोल जो इसमें लगा हुआ है वो लगा हुआ है 60 एम्पियर्स का। और इसके साथ जो इसकी मैक्सिमम पावर रेटिंग है वो अराउंड 3.2 किलोवाट है और इस पर मैक्सिमम आउटपुट पे जो ओवरलोड सर्किट दिया हुआ है उन्होंने वो दिया हुआ है 15% पे दिया हुआ है 50 सेकंड का और 50% ओवरलोड उन्होंने दिया है 5 सेकंड्स का, कि अगर ओवरलोड जाता है सर जाता है तो ये 5 सेकंड तक का लोड प्रदान कर सकता है, उसके बाद ये ट्रिप कर जाएगा। और अगर 15% ओवरलोड होगा तो ये तकरीबन 15 सेकंड से ज़्यादा चला देता है ये, उसके बाद ये ट्रिप कर देगा। अच्छा गाइस, ये इन्वर्टर न्यूली लॉन्च है जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो दूसरे इन्वर्टर्स में इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं नाम तो लेना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान में वेल नोन ब्रांड्स हैं ये उनमें से किसी से भी कम नहीं है। वेल गाइस, जिन लोगों ने हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बार में उनको मिलती रहे। और गाइस, आप लोगों के जो सजेशंस होते हैं वो बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए और हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर। और श्योर अभी बहुत सारी कमियां होंगी, कोताहियां होंगी जो हमें शायद करते हों और मुझसे भी बुनियादों पर कर भी रहे हों, जो हम चाहते हैं उसको चाहते हैं सही करना उन कमियों को। और आप लोगों के सजेशन बहुत वैल्यूएबल हैं और आपके सजेशन पर हम लोग कोशिश करते हैं, काम भी करें और भी करें। और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की जो ड्रेसिंग है उसमें हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और हमें कमेंट्स में मिले थे एक साहब के, और श्योर हम इसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जो हम ड्रेसिंग करें और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।